अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, बहुत सारे लोग जो हैं वो गाड़ी लेना चाहते हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो ऐसे में वो बैंकों का रुख करते हैं, और बैंकों का रुख करते हैं तो उनके जहन में सबसे जो बड़ी मेन चीज़ होती है, एक तो ये होती है कि वो एक ऐसे बैंक से लोन लें जहाँ पे उनको सूद ना देना पड़े, और उसके अलावा उनको गाड़ी बहुत जल्दी मिल जाए, ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े और डाउन पेमेंट भी ज़्यादा ना देनी पड़े। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पांच ऐसे बैंक बताऊंगा जिनसे आप लोगों को बहुत जल्द कार लोन मिल सकता है, और अच्छी सर्विसेज भी ये फ्राहम करता है। इसमें कुछ बैंक ऐसे होंगे जो कि आपको बिना सूद के फ्राहम करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, और कुछ बैंक्स ऐसे होंगे जिन पे आपको सूद भी देना होगा। तो वो चीज़ें मैं आपको साथ साथ क्लियर करता जाऊंगा। यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, ये नहीं कि जी आपको मैं बताऊंगा नहीं, बल्कि मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा कि इस बैंक से आपको इतना लोन मिलेगा, आप लोग ये जो इससे गाड़ी ले सकते हैं। तो जो बेसिक तफसीलात होगी तमाम बैंकों की, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इनके बारे में जो डिटेल वीडियो है वो मेरे चैनल्स पर ऑलरेडी मौजूद हैं, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग उनको जाके वॉच कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले बात करते हैं मेज़ान बैंक के कार इजारा की। इसको सबसे पहले रखने की बड़ी वजह एक तो ये है कि ये इस्लामिक कार फाइनेंसिंग स्कीम है, और इसके अगर मैं की फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे लोएस्ट अप फ्रंट पेमेंट है, यानी कि डाउन पेमेंट या बड़ी कम देनी पड़ती है। रेंटल पेमेंट स्टार्ट आफ्टर व्हीकल डिलीवरी, जब गाड़ी आपको हैंड ओवर कर दी जाएगी तब आपसे लोन लिया जाएगा। क्विक प्रोसेसिंग फीस है इसकी। मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट सिर्फ 30% का है इसके अंदर, और विदहोल्डिंग टैक्स ऑन परचेज ऑफ व्हीकल जो है वो ये मेज़ान बैंक बेयर करेगा, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो आप लोग जो है वो मिनिमम 50% और मैक्सिमम 50% डाउन पेमेंट कर सकते हैं गाड़ी की, उससे ज़्यादा आप नहीं देंगे। और ये बाकी मेन चीज़ें जैसे कि आप लोग जो है वो 25 साल के कम अज़ कम होने चाहिए, और आप लोग जब हर तरह की गाड़ी को अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे वो 1000 cc से कम की है या 1000 cc से ज़्यादा क्यों, आप सबको यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं। फाइनेंसिंग ट्योर जब 7 साल के लिए आपको गाड़ी मिलेगी, 7 साल तक के लिए आप लोग इसके लिए लोन ले सकते हैं। तकाफुल वगैरह भी आपको साथ में फराम किया जाएगा। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है उसके अंदर सैलरी जो मेन चीज़ आती है वो आती है जनाब 50,000। 50,000 से अबव अगर आपकी सैलरी है तो फिर आप लोग जो है वो कार इजारा स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके रिलेटेड जो तफसीलन वीडियो है कि आप अगर के साथ आपकी कितनी बनेगी, वो मुकम्मल डिटेल के साथ मेरे चैनल पे मौजूद है, आपके ऊपर भी आ रही होगी कार्ड की शक्ल में, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उसका मिल जाएगा, तो आप लोग जाके वॉच कर सकते हैं। नंबर 2 पे गाइज हम बात करेंगे फैसल बैंक की कार फाइनेंस के बारे में। ये मेरी नंबर 2 पर फेवरेट होने की बड़ी वजह, मेरे बहुत सारे करीबी लोगों ने इससे कार फाइनेंसिंग की फैसिलिटी हासिल की है, जिनको बहुत अच्छी फैसिलिटी के साथ ये कार फाइनेंसिंग मिली है। अब इसकी मैं फीचर्स और बेनिफिट्स की बात करूँ, यहाँ पे फास्ट एंड हैजल फ्री एप्लीकेशन प्रोसेस है इसका। फ्लेक्सिबिलिटी इन सिलेक्शन ऑफ कार्स, आप कौन सी भी कार लेना चाहते हैं, चाहे वो असम्बल्ड हो या मैन्युफैक्चर्ड हो। फैसिलिटी अगेंस्ट ब्रांड न्यू एज वेल एज यूज कार व्हीकल, आप लोग इस्तेमाल शुदा गाड़ी लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं वो भी आपको मिलेगी। आपको 70% तक गाड़ी की कीमत फ्राहम की जाएगी, यानी कि कम अज़ कम 30% आपको डाउन पेमेंट की मद में बैंक को देना होगा। और अगर मुद्दत की बात करें तो अगर आपकी गाड़ी 1000 cc से ऊपर की है, डाउन की है, तो आपको 5 साल, और अगर आपकी गाड़ी जो है वो 1000 cc से ऊपर की है तो 3 साल के लिए आपको ये लोन देते हैं। उसके बाद पार्टियल पेमेंट फैसिलिटी, यानी कि इक्वल एक साथ की फैसिलिटी भी दी जाती है। को पार्टनर फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि आप लोग एक से ज़्यादा पार्टनर्स को भी रख सकते हैं, और अर्ली सेटलमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है कि आप वक्त से पहले अपनी एक साथ पे करना चाहते हैं तो वो भी आपको दिया जाता है। इंस्टॉलमेंट जो है वो स्टार्ट तब होंगी जब आपकी गाड़ी आपको हैंड ओवर कर दी जाएगी। नो प्रोसेसिंग फीस अनटिल फाइनेंसिंग अप्रूव्ड, जब तक आपका लोन अप्रूव नहीं होता है आपसे किसी तरह की भी कोई फीस नहीं ली जाती है, और आप लोग 9 साल तक पुरानी गाड़ी जो है वो इसके थ्रू हासिल कर सकते हैं। और जो क्राइटेरिया उसके अंदर सैलरीड पर्सन के लिए कम अज़ कम जो है वो 30,000, और कॉन्ट्रैक्टर के लिए 50,000, बिजनेस मैन सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 40,000 रुपये रखी गई है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे जी HBL की कार लोन स्कीम के बारे में। अब इसके जो मैं फीचर्स की बात करूं तो इसके अंदर
आपको तकरीबन 2 लाख से लेके 30 लाख तक का लोन दिया जाता है। आप लोग उस लोन को 5 साल के अंदर वापस कर सकते हैं। आप किसी भी तरह की मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल, यूज्ड और न्यू दोनों ले सकते हैं। फाइनेंसिंग जो है वो आपको 70% गाड़ी का दिया जाएगा, 30% आपको देना होगा। सिक्योर इंश्योरेंस जी चीज़ फैसिलिटी भी आपको दी जाती है, और साथ में ट्रैकल की फैसिलिटी भी आपको मिलेगी। मल्टीपल पार्शियल पेमेंट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और इसके बाद 150 इनके डीलर्स हैं, ब्रांड्स हैं, और लॉट्स ऑफ ब्रांड्स हैं जिनके थ्रू आप इनकी गाड़ी जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। ये फैसिलिटी तकरीबन HPL के आलमोस्ट पूरी ब्रांचेस के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पे इनका कैलकुलेटर भी मौजूद है, आप लोग जहाँ से लोन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस हवाले से भी हमारी तफसीली वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, आप लोग उसको जाके विजिट करके तफसील से मालूमात ले सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट हमारी चौथी स्कीम आती है UBL की अमीन ड्राइव इस्लामिक स्कीम। अब ये एक इस्लामिक स्कीम है जिसके तहत आपको बिना सूद के ये लोन फ्राहम किया जाता है। अब यहाँ पे इनके फीचर्स और बेनिफिट देख लीजिए, आप लोग लोकली और असम्बल्ड कोई भी गाड़ी आप लोग हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो आफ्टर अप्रूव्ड है, अगर आप लोगों की गाड़ी 1000 cc की है तो आफ्टर अप्रूव्ड आपको जो फीस देनी होगी। इसके अलावा 1000 cc ऊपर के भी सेम होगा। अगर आपकी गाड़ी जो है वो 1000 cc की है तो आपको 1 साल 7 साल तक के लिए लोन दिया जाएगा। अगर आपकी गाड़ी 1000 cc से ऊपर की होगी तो फिर 1 से 5 साल के लिए दिया जाएगा। मिनिमम 50% आपको जो है वो डेबिट बॉर्डर रेशो देनी होगी। उसके बाद जो आप लोगों को डाउन पेमेंट देनी है वो 15-30% तकरीबन आपको देनी होती है। फाइनेंसिंग जो है वो आपको 20 लाख रुपए तक की दी जाएगी, और आप लोग 30 लाख तक भी जा सकते हैं। फर्स्ट व्हीकल अप टू 8 मिलियन, टू एंड व्हीकल इज़ 2 मिलियन। तो इसके अलावा व्हीकल एवरेज वो यहाँ पे आपको बताई गई है, प्राइसिंग भी यहाँ पे आपको बताई गई है कि क्या क्या इनके परसेंटेज लगेंगे, कितना आपसे लिया जाएगा। ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सैलरी इसके अंदर भी 30,000 से 50,000 के दरमियान रखी गई है। इस हवाले से भी तफसीली वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं। लास्ट पे हम बात करेंगे जी HBL की ऑटो सॉरी बैंक इस्लामिक की ऑटो फाइनेंस के बारे में। तो इसके अंदर भी आपको ऑल तरह की मैन्युफैक्चर्ड नई और यूज गाड़ियां ले सकते हैं। आप 1 से 5 साल और फॉर व्हीकल आप 1000 cc की गाड़ी ले सकते हैं। 1 से 3 साल के लिए आपको 1000 cc ऊपर की गाड़ी मिल सकती है। मिनिमम 30% आप लोग जो है वो गाड़ी की कीमत आपको अदा करना होगी, और मैक्सिमम 90% आप लोग दे सकते हैं। 2.5 लाख से लेके आपको 30 लाख तक का बैंक लोन फ्राहम करता है। प्रोसेसिंग फीस जो है वो आपको 1200 रुपये देनी होगी। डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग फीस और फॉर फाइनेंसिंग अप टू 3 मिलियन उसके लिए आपको 6,300 रुपये पर कार पे करने होंगे। ट्रैकर इंस्टॉलेशन इज मैंडेटरी फॉर ऑल व्हीकल एंड ट्रैकर शैल बी इंस्टॉल बाय बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड। तो जो भी गाड़ी आप लेंगे उसके अंदर बैंक इस्लामी ट्रैकर इंस्टॉल करेगा, और वो लगवाना भी लाजमी होगा। तकफ़ुल की फैसिलिटी भी आपको 1.85% से 2.85% तक फ्राहम की जाती है। तो आप अगर गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप इन 5 बैंक में से किसी एक बैंक का इंतखाब कर सकते हैं। बहुत अच्छे बैंक्स हैं, मैंने पर्सनली उन बैंकों को सिलेक्ट किया जो कि मुझे वाकई अच्छे लगे हैं, जो आपको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे बैंकों में आपको कार फाइनेंसिंग की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन ये जो 5 मैंने आज आपको बताई हैं ये वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स हैं जिन पर आप लोग जो वो आँख बंद करके रिलाई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।